हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आपका टॉप से और टुडे चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 7.05 रुपए की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 5.5% के करीबन का तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 143.35 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर नीचे में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 121 रुपीज पर। 121 रुपीज पर यहाँ पर इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बनाया है और ऊपर में स्टॉक का एक टॉप था 141 रुपीज का। ऊपरी लेवल पर स्टॉक ने दो बार सेम प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलाएगा, जहां पर स्टॉक ने 121 रुपीज के प्राइस को नीचे रिटेस्ट करता है और यहां पर स्टॉक एक बॉटम बनाने के बाद निचले लेवल पर एक वन वे रैली बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉक में नॉर्मल दिनों से देखें तो ज्यादा वॉल्यूम के साथ लिक्विडिटी देखने को मिल रही है और साथ के साथ स्टॉक के प्राइस में भी एक अच्छा उछाल है, जिसका सीधा संकेत है कि यहाँ से स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और स्टॉक में जो पिछला रुकावट रेंज था 141 रुपीज, स्टॉक ने एक इम्पोर्टेंट रुकावट रेंज को भी ब्रेकआउट दिया और यहां से स्टॉक के अंदर एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो नीचे में अराउंड 135 रुपीज का शॉर्ट टर्म में एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस रखे और ऊपर के टारगेट अराउंड 165 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सके। इस बात का खास ध्यान रखें कि स्टॉक अगर नीचे में 141 रुपीज से नीचे आता है तो वहां पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है का, जिसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है नीचे में 135 रुपीज तक स्टॉक नीचे रिटेस्ट करता है। इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, लॉन्ग टर्म के लिए व्यू रखें, वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।